हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीविया से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, मिड वाइफ टोड इज ए एलाइटिस, बी पाइपा, सी यूफो, डी डिस्कोग्लॉसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलाइटिस। एलाइटिस को मिडवाइफ टोड कहा जाता है और ये मोस्टली कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और दूसरा क्या है, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो कैसी होती है, पेरेंटल केयर की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, यानी कि पैतृक संरक्षण के जो लक्षण हैं वो एलाइटिस में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिडवाइफ टोड कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिडवाइफ टोड, ए एलाइटिस, बी पाइपा, सी हाइला, डी ब्यूफो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलाइटिस। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंढक का अंडाणु होता है, द एग ऑफ फ्रॉग इज, ए अपीतकी, अलैसिथल, बी बहुपीतकी, पॉलीलैसिथल, सी सूक्ष्म पीतकी, माइक्रोलैसिथल, डी दूरस्थ पीतकी, टेलोलिसिथिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दूर स्थित की, टेलोलेसिथिकल। मेंढक का जो अंडाणु होता है वो टेलोलेसिथिकल होता है, और मेंढक का जो अंडाणु यानी ओवम होता है वो किस आधार पर, किस बेसिस पे इसको टेलोलेसिथिकल कहा जाता है, तो इसमें ओवम के अंदर जो योग प्रेजेंट होता है, ठीक है, योग की पोजिशन के बेसिस पर मेंढक का अंडाणु जो होता है वो टेलोलेसिथिकल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, मेंढक में ग्लॉटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है, इन फ्रॉग ग्लॉटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ, ए वाक्रज्जू, वोकल कॉर्ड्स, बी स्टर्नम, सी एरिटेनॉइड कार्टिलेज, डी वाक्रज्जू तथा एरिटेनॉइड कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड्स एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, पादविहीन उभयचर किस गण से संबंध रखते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग टू द ऑर्डर, ए जिम्नोफियोना, बी यूरोडिला, सी एन्यूरा, डी कॉर्डेटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोफियोना। जितने भी लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, पादविहीन उभयचर होते हैं, वो जिम्नोफियोना ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक दूसरा वर्ड भी होता है जिम्नोफियोना के अलावा, एपोडा, या तो जिम्नोफियोना लिखा मिलेगा आपको या फिर एपोडा मिलेगा, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। और इसमें लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 55 स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है, पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, ए एन्यूरा, बी यूरोडिला, सी जिम्नोफियोना, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोफियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, ए इक्थियोफिस, बी हाइला, सी फिल्लोसोमा, डी एलाइटिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इक्थियोफिस। एट्थ क्वेश्चन, मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज, ए 7 जोड़ी, बी 8 जोड़ी, सी 9 जोड़ी, डी 10 जोड़ी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10 जोड़ी। मेंढक के जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं यानी कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उसमें 10 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, और इनमें कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या भी 10 जोड़ी होती है, यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी कितनी है, 10 पेयर्स होंगी, और जो कपालीय तंत्रिकाएं बोले तो ये होगा हमारा क्रैनियम, ठीक है, तो क्रैनियम में भी कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, मेंढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा जिसे कहा जाता है, इन फ्रॉग द फ्लोर ऑफ द क्रैनियम इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज टी शेप्ड बोन कॉल्ड द, ए कंठिका उपकरण, हायोइड एपरेटिस, बी स्फेनेथमाइड, सी फ्रंटोपैरालाइटिस, डी पैरा स्फेनाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैरा स्फेनाइड। मेंढक के कपाल का पूरा जो फर्श होता है, एंटायर फ्लोर जो होती है, वो बहुत ही बड़ी एक पैरा स्फेनाइड
अस्थि के द्वारा कवर्ड रहती है, बोन से कवर्ड रहती है, और ये जो बोन होती है ये फर्श को मजबूती देती है, और इसका आधार जो होता है वो एक ड्रैगर की तरह होता है या फिर टी शेप का होता है। 10th क्वेश्चन है, मेंढक में हृदय धड़कन की दर होती है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज ए 64 बार प्रति मिनट, 64 टाइम्स पर मिनट, बी 72 बार प्रति मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, सी 75 बार प्रति मिनट, 75 टाइम्स पर मिनट, डी 50 बार प्रति मिनट, 50 टाइम्स पर मिनट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 64 टाइम्स पर मिनट। मेंढक की जो एक कार्डिक साइकिल होती है वो लगभग लगभग 0.94 सेकेंड की होती है, और जो मेंढक में हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 64 बार प्रति मिनट होती है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, डक्टस बोटेलिस उपस्थित होता है, डक्टस बोटेलाई इज प्रेजेंट इन ए रैना में, बी स्कॉलिडियन में, सी लेपिडोड सिरेन में, डी सिरेटोड्स में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रैना में। रैना में डक्टस बोलेटिस पाया जाता है। एम्फीविया में क्या होता है, एम्फीविया में चार जोड़ी जो होती है वो महाधमनी आर्क की होती है, यानी कि एरोटिक आर्किज प्रेजेंट होती हैं। तीसरी, और इसमें कंडीशन क्या होती है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सिक्स, ये वाला जो जोड़ी होगी इसमें पांचवी जो फिफ्थ वाली पेयर होती है ये बहुत ही कम विकसित होती है, यानी बहुत ही कम डेवलप्ड होती है या फिर एब्सेंट ही होती है, और जो फोर्थ पेयर होता है, ये फोर्थ पेयर जो होता है ये क्या होता है, ये लेटरल डॉर्सल ओटा या रेडिक्स के साथ जुड़कर, ओटा या रेडिक्स के साथ जुड़कर डक्टस वोलेटिस का निर्माण करता है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक में वाई के आकार की हड्डी होती है, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज ए स्क्वेमोशल, बी टेरिगोइड, सी पैलेटाइन, डी क्वाड्रेटो जुगल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टेरिगोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, मेंढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, द सेंट्रम ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज ए अगर्ती असेलस, बी अग्रगर्ती प्रोसेलस, सी द्विगर्ती एम्फीसेलस, डी उभयपटित एम्फीप्लेटन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अग्रगर्ती प्रोसेलस। 14th क्वेश्चन, मेंढक की आठवीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, 8th कार्नियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स इन द ब्रेन्स टू ए नाक नोज, बी कान ईयर्स, सी जीभ टंग, डी फेरिंग्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ईयर्स कान। 15th क्वेश्चन है, मेंढक में अग्रपाद का अंगुलस्थ सूत्र होता है, डिजिटल फॉर्मूला ऑफ फोर लिम्स इन फ्रॉग इज ए 02233, बी 03233, सी 02333, डी 03323। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 02233। अगला प्रश्न देखते हैं, 16th क्वेश्चन, एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है, एक्सोलोटल लार्वा बिलोंग्स टू ए कुछ मछलियों से सम फिशेस, कुछ उभयचरों से सम एम्फीबियंस, सी कुछ प्रोटोकशेरिकों से सम प्रोटोकॉर्डेट्स, डी कुछ अकशेरिकियों से सम इनवर्टिब्रेट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कुछ उभयचरों से सम एम्फीबियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, नियोटनी पाई जाती है, नियोटनी इज फाउंड इन ए टैडपोल में, बी सेलेमेंडर में, सी हाइला में, डी एक्सोलोटल में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एक्सोलोटल में। 18th क्वेश्चन है, डिंबक जनन देखा जाता है, नियोटनी इज ऑब्जर्व्ड इन ए एम्बिस्ट्रोमा में, बी एलाइटिस में, सी साइकन में, डी सेक्युलिना में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एम्बिस्ट्रोमा में। डिंबक जनन नियोटेनी जो होता है वो एम्बिस्ट्रोमा में पाया जाता है। 19th क्वेश्चन, एक्सोलोटल डिंबक दर्शाता है, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट्स ए केवल डिंबक जनन नियोटेनी ओनली, बी केवल छदम जनन पेडोजेनेसिस ओनली, सी डिंबक जनन तथा छदम जनन दोनों, बोथ नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस, डी कोशिका स्थिरता यूटेली।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिम्बक जनन तथा जदम जनन दोनों, बोर नियोटेनी एंड पेडाजेनेसिस। 20 क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है? लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन ए लामा, बी कस्तूरी मृग मस्क डियर, सी एम्फियोमा, डी नेक्टुरिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम्फियोमा। एम्फियोमा में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। जितने भी एम्फीबियंस हैं, समस्त जंतुओं में जितने भी जंतु हैं ना, तो उसमें जितने जंतुओं में से एम्फीबियंस में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, और ये किस में पाई जाती है? एम्फियोमा में पाई जाती है। और अगर एम्फियोमा नहीं दे रखा होगा आपको, तो एक दूसरा नाम भी दे रखा होगा, वो होगा प्रोटीएस। ठीक है, इन दोनों में ही पाई जाती है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एम्फीबिया से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।